एससी वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 87, अ सोर्स ऑफ साउंड इमिटिंग अ 1200 हर्ट्ज नोट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट स्पीड ऑफ 170 मीटर पर सेकेंड. अ डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स. ए और बी पार्ट करने हैं, तो ए पार्ट हमें कहा है कि फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर एट द इंस्टेंट व्हेन सोर्स गेट क्लोजेस्ट टू इट. तो इस न्यूमेरिकल में 87 न्यूमेरिकल में हमें कहा है कि एक सोर्स होगा जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी 1200 हर्ट्ज होगी और वो साउंड ट्रैवल होगा 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर और सोर्स की खुद की वेलोसिटी है 170 मीटर और ये इस लाइन ऑफ मोशन पर वो चल रहा है इतने स्पीड से. ये होगी उसकी लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन ऑफ मोशन होगी. अब कहीं पे तो वो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इतने फ्रिक्वेंसी का, इतने वेलोसिटी से मूव हो रहा है और हमें ये लाइन ऑफ मोशन से 200 मीटर इतने दूरी पर एक डिटेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है कि वो डिटेक्ट कर रहा है इसने जो साउंड प्रोड्यूस किया है उसे, उसके फ्रिक्वेंसी मेजर कर रहा है. तो हमें वो फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है जब रिसीव्ड बाय डिटेक्टर, इस डिटेक्टर ने रिसीव किए कौन सी, व्हेन सोर्स इज क्लोजेस्ट टू द डिटेक्टर. उस टाइम पे हमें वो फ्रिक्वेंसी बतानी है जब ये सोर्स क्लोजेस्ट टू द डिटेक्टर. तो ये डिस्टेंस यहाँ पे ये नजदीक आएगा थोड़ा सा, तो ये डिस्टेंस मतलब कम हो रहा है, तो यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, ऐसे डिस्टेंस कम हो रहा है तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा. जैसे यहाँ पे आएगा और कम हुआ, यहाँ पे आ गया तो अब बढ़ने लगेगा, अब बढ़ने लगेगा. मतलब जैसे कि ये सोर्स यहाँ पे आ गया तो ये डिस्टेंस बढ़ा और बढ़ेगा. तो सबसे क्लोज कब होगा, जब ये सोर्स यहाँ पे होगा तब ये होगा सोर्स और डिटेक्टर के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस. तो ये सोर्स जब यहाँ पे होगा उस टाइम पे जो डिटेक्टर ने साउंड सुना है रिसीव किया है, इसका मतलब इसने जो साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस किया होगा वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस होगा ये ट्रैवल होगा यहाँ से यहाँ तक, तब तक तो ये यहाँ पे चला जाएगा, अब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस नहीं है. हमें वो साउंड लेना है जब ये यहाँ पे होगा और साउंड भी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये सोर्स ऑलरेडी पहले कहीं पे था, इसने साउंड प्रोड्यूस किया, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया और साउंड सभी डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, तो ये साउंड ऐसे यहाँ पे आ गया, तो साउंड यहाँ पे आ गया, सोर्स यहाँ पे आ गया. तो इसके लिए जितना टाइम लगा यहाँ आने के लिए उस साउंड के लिए इतना टाइम लगा, टी टाइम लगा, दोनों के लिए भी टी टाइम लगा. तो तब यहाँ आने के बाद ये जो साउंड रिसीव कर रहा है, ये साउंड ऑलरेडी यहाँ पे पीछे कहीं पे तो प्रोड्यूस हुआ था, वो साउंड रिसीव कर रहा है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है. मतलब ये तो मोशन में है, ये मोशन में है, मतलब अपेरेंट फ्रिक्वेंसी, तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है. तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर और सोर्स उनके बीच में रिलेटिव मोशन किस तरीके से है और अकॉर्डिंग टू चेंजेस करने होंगे इस फॉर्मूला में. तो ये वी, अब ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, मतलब इसके लिए जीरो प्लस माइनस जीरो, और ये सोर्स, अब ये सोर्स क्या हो रहा है, इसके तरफ आ रहा है, इसके जैसे जैसे आ रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो हमें ये डिनोमीटर कम करना पड़ेगा ये फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए, मतलब माइनस. और ये वी एस, लेकिन ये वी एस वेलोसिटी से अप्रोच नहीं हो रहा है, वी एस वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, वी एस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी एस कॉस थीटा, ये होगी वी एस कॉस थीटा, मतलब ये वी एस कॉस थीटा इतने वेलोसिटी से सोर्स अप्रोच हो रहा है. तो ये फाइंड करने के लिए हमें एक कॉस थीटा फाइंड करना पड़ेगा, वी एस कॉस थीटा फाइंड करना पड़ेगा. तो एक नंबर देते हैं क्वेश्चन वन. अब ये वी एस कॉस थीटा, पहले वी एस कॉस थीटा फाइंड करना है. वी एस का तो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स वो दी है 170 और कॉस थीटा, तो यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है. तो और ये अगर हम थीटा मान लेते तो ये होगी एडजेसेंट साइड और ये होगी हाइपोटेनस. तो ये एडजेसेंट साइड कितनी है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी कितनी 170 इंटू टी, ये होगा ये डिस्टेंस. और ये डिस्टेंस कितना होगा, जो भी उसकी वीयर्स को इसकी साउंड की वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक, ये यह हमने सोर्स की वेलोसिटी लिखी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक साउंड जा रहा है, तो साउंड की वेलोसिटी इंटू टी, इतना होगा ए वाला डिस्टेंस हाइपोटेनस.
तो कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट साइड, तो ये एडजेसेंट साइड कितनी 170 t डिवाइडेड बाय ये होगा हाइपोटेनस, साउंड की वेलोसिटी इनटू टाइम, तो साउंड की वेलोसिटी 340 मीटर पर, तो ये 340 इनटू टी तो कितना आएगा बी एस कॉस थीटा, तो ये डिवाइडेड बाय आएगा 2 और ये 85 पुट करना है, म्यू डैश इज इक्वल टू वी, वेलोसिटी कितनी है साउंड की 340 न्यूमेरेटर आ गया, और ये 340 माइनस वी एस कॉस थीटा 85 और ये फ्रीक्वेंसी दिया हमें 1200, ये दिया है 1200, तो वैल्यू पुट करना है, पुट की है तो ये आएगा 340 डिवाइडेड बाय ये फाइव और 255 और ये 1200 6 5 6 34 5 8 और ये 5 5 25 5 1 तो 68 को 17 17 3 और 74 और ये 34 तो ये फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 4 4 16 100 इतनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, ये होगा हमारा आंसर ए पार्ट का। बी पार्ट में कहा है हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर एट द इंस्टेंट इट डिटेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1200 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ द साउंड दी हुई है। हाँ तो ये बी पार्ट, ए पार्ट में हमने ये किया कि ए डिटेक्टर यहाँ पे 200 मीटर अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ मोशन, ये सोर्स यहाँ पे अप्रोच हो रहा है, तो हमने ये अप्रोचिंग कंडीशन में ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइंड किया और हमें फ्रीक्वेंसी भी मिली थी 1600 जब सोर्स यहाँ पे आ पहुंचा था तब। लेकिन हमें अब बी पार्ट में कहा है कि हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर, कि जब उस डिटेक्टर जो साउंड कैच कर रहा है रिसीव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी इतनी, मतलब जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी है, मतलब म्यू डैश दिया हुआ है, तो ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 1200 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी हुई है और इज इक्वल टू ये कंडीशन आ गई वी मतलब है 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस ये वी एस मतलब वेलोसिटी ऑफ द सोर्स ओस 170 और कॉस थीटा वो पता नहीं हमें, यहाँ का थीटा पता नहीं क्योंकि हमें नहीं पता ये डिस्टेंस ये थीटा कहाँ पे होगा या अंदर ये सोर्स कहाँ पे होगा कि जब ये जो साउंड डिटेक्ट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, और ये लेकिन पता है 1200 तो इसे सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पे आएगा डिवाइड करेगा तो ये 1 आएगा और ये 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 170 कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो ये से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 340 माइनस 170 कॉस थीटा इज इक्वल टू 340। अब ये इस साइड में चला जाएगा और ये इस साइड में आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया 170 कॉस थीटा और ये यहाँ पे गया तो 340 माइनस 340 ये 0 आ गया और इस 170 यहाँ पे डिवाइड करेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ गई, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 आ गए, मतलब ये थीटा जब 90 होगा तब ये केस होगी कि ये जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा उसे वो 1200 हर्ट्ज होगी, मतलब ये थीटा मतलब ये यहाँ से ये साउंड जो ट्रैवल हो रहा है यहाँ पे और ये हमने थीटा माना था ये यहाँ पे बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है और यहाँ पे आने के बाद ये साउंड डायरेक्ट इस तरह से ट्रैवल होगा इस लाइन ऑफ मोशन के साथ वो 90 का एंगल बना रहा है, ये 90 का एंगल बना रहा है, मतलब इस केस में यहाँ पे जब साउंड प्रोड्यूस करेगा तब ये जो साउंड होगा ये यहाँ पे ट्रैवल होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1200 हर्ट्ज। तो इस तरह से हमने इस सोर्स की पोजीशन तो फाइंड की, इस तरह से फाइंड करनी है, लेकिन आपको अब इसके बाद ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको ये याद रखना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है 1200 हर्ट्ज की वही फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कब होती है जब सोर्स और डिटेक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगी तब,
तो ये तो यहाँ पे आ रहा है, अप्रोच हो रहा है, मतलब ये अप्रोचिंग केस हो गया यहाँ पे, जैसे आ रहा है ये अप्रोचिंग हो रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है और ये दूर जा रहा है, यहाँ के बाद दूर जा रहा है मतलब रिसीडिंग, यहाँ तक आ रहा है तो अप्रोच, यहाँ तक आ रहा है तो रिसीडिंग मतलब फ्रिक्वेंसी कम होगी, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कम होगी, मतलब ये पोजिशन होगी यहाँ पे कि वो अप्रोच भी नहीं हो रहा है, रिसीव भी नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे वो रेस्ट में है, यहाँ पे वो रेस्ट में है। तो यहाँ पे साउंड तो प्रोड्यूस होगा, सोर्स आगे चला जाएगा, लेकिन यहाँ का साउंड यहाँ पे अभी ट्रैवल हो रहा है, तो ये पोजीशन हमें लेनी है कि सोर्स इज एट रेस्ट। तो इस केस में साउंड प्रोड्यूस किया, इस साउंड यहाँ से अब यहाँ पे ट्रैवल करेगा, सोर्स तो आगे निकल चुका हुआ है, सोर्स यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा, उन निकल चुका है। अब ये साउंड को यहाँ से यहाँ ट्रैवल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम तो फाइंड करेंगे कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए, मतलब इस पॉइंट को पी नाम देते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस हमें दिया है 200 मीटर, ये 200, और साउंड ट्रैवल हो रहा है, साउंड की वेलोसिटी 340, तो ये कितना आएगा टाइम, तो ये 10 और ये 70, इतना टाइम लगेगा, इतना सेकेंड लगेगा। तो ये साउंड जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तब सोर्स कहाँ पे जा चुका होगा, तो सोर्स यहाँ से या कुछ डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोर्स फाइंड करते, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोर्स कितना होगा, तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इनटू टाइम, कौन सा टाइम, जब इस साउंड यहाँ से यहाँ तक जा चुका होगा, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स कितनी है 170 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा हमें 10 डिवाइडेड बाई 70, तो ये कितना आएगा, ये डिस्टेंस आ गया 100 मीटर, मतलब ये जो पॉइंट पी है, पी से यहाँ तक सोर्स 100 मीटर जा चुका हुआ है यहाँ पे सोर्स, और ये डिटेक्टर यहाँ से है 200 मीटर पर। तो हमारा क्वेश्चन है कि सोर्स और डिटेक्टर के बीच में, मतलब ये सोर्स और डिटेक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करने के लिए तो हमें पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, 200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो अंडर रूट ये डिस्टेंस डिस्टेंस डीएस कितना आएगा, अंडर रूट 200 का स्क्वायर, तो 200 में से यहाँ पे 100 का स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं, 100 का स्क्वायर ही कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर 100 बाहर ले लिया, तो ये आएगा 100, और ये आएगा 2 का ये 4, और ये 15 अंडर रूट में 5, तो ये डिस्टेंस डी एस कितना आएगा, ये 100 और रूट 5 की वैल्यू 2.24, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो 224 मीटर, तो इतना डिस्टेंस होगा बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर।